फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम SST के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि CTET के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इनको आप शुरू कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो जो पठारी क्षेत्र है यानी कि प्लेटू वाले रीजन, तो उनमें विश्व की कितनी प्रतिशत जो जनसंख्या है वो निवास करती है? तो ए ऑप्शन है 4%, बी ऑप्शन है 6%, सी ऑप्शन है 9% और डी ऑप्शन है 15%। तो कितने प्रतिशत जो है जनसंख्या निवास करती है पठारी क्षेत्रों में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, 9%। ठीक है जी, पठारी क्षेत्रों में विश्व की 9% जो जनसंख्या वो निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप में कौन सी धरातली तरंगे होती हैं? तो जो भूकंप होता है, जो अर्थक्वेक होता है, उसमें धरातली तरंगे होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो ए ऑप्शन है प्राथमिक तरंगे, बी ऑप्शन है गौण तरंगे और सी ऑप्शन है एल तरंगे और डी ऑप्शन है प्राथमिक और गौण तरंगे। तो कौन सी तरंगे होती हैं धरातली तरंगे भूकंप में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, एल तरंगे। ठीक है जी, भूकंप में एल तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो इनमें से बताना है कि सबसे नवीनतम जो पर्वतमाला है वो कौन सी है? तो ए ऑप्शन है अपलाशियन, बी ऑप्शन है सतपुड़ा, सी ऑप्शन है हिमालय और डी ऑप्शन है रॉकीज। तो कौन सी है इनमें से नवीनतम पर्वतमाला? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, हिमालय। ठीक है जी, जो हिमालय है वो नवीनतम पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये विसुवियस एक ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। तो ये कौन से देश में स्थित है? तो ए ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी ऑप्शन है मेक्सिको, सी ऑप्शन है इटली और डी ऑप्शन है केनिया। तो किस देश में स्थित है विसुवियस ज्वालामुखी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, इटली में। ठीक है जी, विसुवियस ज्वालामुखी इटली देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये भी एक ज्वालामुखी है माउंट एरेबस। तो ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो ए ऑप्शन है अंटार्कटिका, बी ऑप्शन है अफ्रीका, सी ऑप्शन है एशिया और डी ऑप्शन है यूरोप। तो कौन से महाद्वीप में ये स्थित है माउंट एरेबस ज्वालामुखी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, अंटार्कटिका महाद्वीप में। ठीक है जी, माउंट एरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो वायुमंडल में यानी कि एटमॉस्फेयर में सबसे जो ज्यादा ओजोन लेयर है वो कहाँ पर केंद्रित होती है? तो ए ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर, बी ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर, सी ऑप्शन है मेसोस्फीयर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, स्ट्रेटोस्फीयर। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में केंद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो जो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत है तो वो कौन से नाम से विदित है? तो ए ऑप्शन है समतल मंडल, बी ऑप्शन है शोम मंडल, सी ऑप्शन है आयन मंडल, डी ऑप्शन है बहिर्मंडल। तो कौन सी है पृथ्वी की सतह जो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर, इसको एक्सोस्फीयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो जो रेडियो तरंगें होती हैं वो पृथ्वी की कौन सी सतह से परावर्तित होती हैं, कौन सी परत से? तो ए ऑप्शन है आयन मंडल, बी ऑप्शन है शोम मंडल, सी ऑप्शन है समतल मंडल और डी ऑप्शन है ये सभी। तो कौन सी सतह से परावर्तित होती हैं दीर्घ रेडियो तरंगें? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन,
आयनमंडल से, ठीक है जी। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की आयनमंडल सतह से परावर्तित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वलित पर्वत है? तो इनमें से बताना है कौन सा जो पर्वत है वलित पर्वत है। तो ए ऑप्शन है नीलगिरी, बी ऑप्शन है हिमालय, सी ऑप्शन है सतपुड़ा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पर्वत जो है वो वलित पर्वत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, हिमालय, ठीक है जी। हिमालय जो है वो एक वलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो जो संचार उपग्रह होते हैं वो कौन सी वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो ए ऑप्शन है सौरमंडल, बी ऑप्शन है समतल मंडल, सी ऑप्शन है आयन मंडल और डी ऑप्शन है शोभ मंडल। तो संचार उपग्रह कौन सी वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, आयन मंडल में। संचार उपग्रह जो होते हैं वो वायुमंडल जो सतह होती है वो होती है आयन मंडल, जहां पर संचार उपग्रह स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वायुदाब कहाँ पर पाया जाता है? तो जो सामान्य वायुदाब होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो ए ऑप्शन है रेगिस्तान पर, बी ऑप्शन है पर्वतों पर, सी ऑप्शन है सागर तल पर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य वायुदाब कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, सागर तल पर, ठीक है। सामान्य वायुदाब सागर तल पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो वायुदाब में अगर अचानक कमी आ जाए तो वो किसका सूचक होती है? तो ए ऑप्शन है तूफानी मौसम, बी ऑप्शन है स्वच्छ मौसम, सी ऑप्शन है वर्षा मौसम और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर वायुदाब में अचानक से कमी आ जाए तो वो किसका सूचक होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, तूफानी मौसम का, ठीक है जी। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी तूफानी मौसम का सूचक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कौन सी होती है? जो उच्च दाब क्षेत्र से चलती हैं पवनें और भूमध्य सागर की ओर जाती हैं तो वो कौन सी पवनें होती हैं? तो ए ऑप्शन है व्यापारिक पवनें और बी ऑप्शन है पछुआ हवाएं, सी ऑप्शन है समुद्री पवनें और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी होती हैं पवनें वो वाली जो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, व्यापारिक पवनें होती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज पृथ्वी की कौन सी परत में उड़ते हैं? तो वो कौन सी परत होती है, कौन सी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की, पृथ्वी की, जो कि जिसमें कि हवाई जहाज उड़ते हैं? तो ए ऑप्शन है शोभ मंडल, बी ऑप्शन है समतल मंडल, सी ऑप्शन है समताप मंडल और डी ऑप्शन है मध्य मंडल। तो कौन सी परत में उड़ते हैं हवाई जहाज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, समताप मंडल, ठीक है जी। हवाई जहाज जो है वो पृथ्वी की समताप मंडल की जो परत है उसमें उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मौसमी जो क्रियाएं हैं वो नहीं होती, ठीक है जी, इसलिए समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की एटमोस्फेयर की जो निचली परत है, सबसे निचली परत वो कौन सी है? तो ए ऑप्शन है शोभ मंडल, बी ऑप्शन है समतल मंडल, सी ऑप्शन है आयन मंडल और डी ऑप्शन है मध्य मंडल। तो कौन सी परत है सबसे निचली परत वायुमंडल की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, शोभ मंडल, ठीक है जी। वायुमंडल की सबसे निचली परत शोभ मंडल है, ठीक है जी। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, शोभ मंडल।
तो फ्रेंड्स, ये SST के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन थे ये, जो कि CTET के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, इनको आप जरूर कर लेना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।